हेलो 10th क्लास, आज हम आपकी वर्कशीट 45 पर चर्चा करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है राजनीतिक दल। इसमें हमने पिछली वर्कशीट में राजनीतिक दलों का अर्थ, उसकी आवश्यकता, कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और राजनीतिक दलों में सुधार के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ। इसमें हम सबसे पहले जिक्र करेंगे वंशवाद की चुनौती। वंशवाद का मीनिंग बच्चों होता है हेरिडिटरी, यानी एक जो जैसे कि सबसे ज़्यादा इसका सही एग्जांपल आपको पता होगा कि राजा है, राजा के बाद राजा का पुत्र राजा बनता है, फिर उसके बाद उसका पुत्र, इसे हम कहते हैं वंशवाद। तो इसी तरीके से राजनीतिक दलों में भी ये परंपरा चली आती है कि जिसने भी उस राजनीतिक दल का गठन किया है या वो उसका अध्यक्ष रहा है तो वो ये चाहता है कि मेरे बाद मेरा पुत्र या मेरा भाई या मेरा भतीजा या मेरा भांजा ही इस दल पर अपना कब्जा जमाए रखे और उसका फ़ायदा उठाते रहें। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है कि जो योग्य व्यक्ति है वो उस उम्मीदवारी से चूक जाता है, उसको उसकी उम्मीदवारी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो योग्य जो व्यक्ति होता है वो राजनीतिक दल में प्रॉपर अपनी जगह बनाने से चूक जाता है। ठीक, तो आज हम ऐसे बहुत सारे दल हैं, जैसे हम कांग्रेस का नाम ले सकते हैं। कांग्रेस पर बार बार वंशवाद के जो हैं आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार से रिलेटेड रही है और आज भी गांधी परिवार जो है उस पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहता है। ठीक है, तो वंशवाद में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कभी अध्यक्ष रहे थे, जो राजनीतिक दल के प्रमुख नेता थे, प्रसिद्ध नेता थे, जनप्रिय नेता थे, उनके पुत्र या उनके भाई भतीजे भी उतने ही जनप्रिय या जनसेवा में लिप्त व्यक्ति हों। लेकिन क्योंकि वो उस प्रसिद्ध नेता से रिलेटेड हैं इसलिए उन्हें उस पार्टी में फ़ायदा मिल जाता है। और जो योग्य व्यक्ति है, जो वास्तव में जनसेवा से संबंधित है, जनता की सेवा करना चाहते हैं या अच्छे तरीके से पार्टी को चला सकते हैं, उनको वो जगह नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं। ठीक है, तो वंशवाद में ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसमें योग्य जो व्यक्ति होता है वो अपनी पर्टिकुलर जगह बनाने से रह जाता है और अयोग्य होते हुए भी वंशवाद का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग जो हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठाते रहते हैं, उन्हें वंशवाद का फ़ायदा मिल जाता है। दूसरा आता है इसमें पारदर्शिता का अभाव। राजनीतिक दलों के सामने एक प्रमुख चुनौती ये होती है कि इसमें पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया वंशवाद है तो भाई अध्यक्ष का लड़के को अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया जाता। एक तो उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके सेवक और उसके कार्यकर्ता चुनने में, सक्रिय कार्यकर्ता चुनने में, अगर वो पार्टी जीत जाती है तो उसके जो महत्वपूर्ण पोस्ट हैं वो भी अपने फेवरेट लोगों को दे दी जाती हैं, तो कोई पारदर्शिता नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। दूसरी बात, राजनीतिक दलों में जो है वो उनकी अपनी तो कोई इनकम का सोर्स होता नहीं है, तो उन वो जो प्रचार पर अरब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं वो प्रचार के लिए उनके पास पैसा कहाँ से आया, चंदा कहाँ से आया, तो इसका भी पूरी डिटेल जो है वो पब्लिश नहीं की जाती। तो राजनीतिक दलों में पारदर्शिता का यानी ट्रांसपेरेंसी का अभाव होता है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला नहीं होता, यानी सब कुछ जो है लोगों के आँखों के सामने नहीं होता, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्दे के पीछे चल रही होती हैं। अगला आता है इसमें आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राजनीतिक दलों में क्या होता है, वंशवाद चला आता है। राजनीतिक दलों में क्या होता है कि अपनी मर्जी से अपने जो भी फेवरेट अपना नेता है, जो अपनी फेवरेट लोग हैं, उन्हें बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी जाती है, मंत्री पद दे दिया जाता है। तो राजनीतिक दलों में जो आंतरिक लोकतंत्र है उसका अभाव पाया जाता है। यानी दल भाई आंतरिक लोकतंत्र क्या होगा कि राजनीतिक एक राजनीतिक दल में जो भी इंपॉर्टेंट पद है, अध्यक्ष का, कार्यकारिणी अध्यक्ष का, राज्य पार्टी के राज्य कार्यकारिणी अध्यक्षों का जो पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं राजनीतिक दलों के, तो इन पदों को सबकी सहमति से दिए जाने चाहिए। लेकिन इसके बजाय क्या होता है, वहाँ पे लोकतंत्र का अभाव होता है और जो अपने फेवरेट लोग होते हैं उनको इन पोस्ट पर बैठा दिया जाता है। जो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं वो अपने पसंद के लोगों को, अपने ही भाई बंधुओं को या अपने बहुत ही करीबी मित्रों को उस पोस्ट पर बैठा देते हैं और योग्य उम्मीदवार, योग्य व्यक्ति जो है उससे उसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। अगली आती है इसमें आपराधिक तत्व की घुसपैठ।
ये राजनीतिक सभी राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी जो है एक हम कमी कह सकते हैं या चुनौती कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों में आपराधिक तत्व के लोगों की भरमार हो जाती है। ऐसे लोग भरे पड़े होते हैं जो किसी ना किसी कारण से जेल काट चुके होते हैं, ठीक है, या काट रहे हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में एक पार्टी का दब पार्टी में दबदबा बनाए रखने के लिए या लोगों पर अपना जब वोट आते हैं तो उस वक्त बूथ कैप्चरिंग हम कह सकते हैं, या पार्टी में अपना दबदबा बनाए रखने के, पार्टी का दबदबा बनाए रखने के, लोगों के बीच उसकी धाक जमाए रखने के लिए पार्टी में ऐसे लोगों को स्थान दे दिया जाता है जो कि गलत है। या फिर ऐसे आपराधिक तत्व के लोग जबरदस्ती अपने बल के बूते पर, अपनी पावर के बूते पर राजनीतिक दलों में शामिल हो जाते हैं और बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो सदस्य हैं, वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनका दबदबा होता है। अगले आते हैं आपके पास विकल्पहीनता। राजनीतिक दलों के पास सबसे बड़ी बात है कि विकल्प होने जरूरी हैं। एक की जगह पर कौन सा योग्य उम्मीदवार, योग्य सदस्य होगा, ये विकल्प होने चाहिए। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि राजनीतिक दलों में गिनती के लोग तो होते हैं जो जनप्रिय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, लोगों के बीच फेमस होते हैं, जनहित का काम करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग तो बस फ़ायदा उठाने के लिए या अगर पावर में आ गए तो मजे ही मजे हैं इस चीज़ को सोचकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में वे एक सही नेता का, स्ट्रिक्ट नेता का विकल्प उपस्थित नहीं कर पाते। तो हम देखें तो राजनीतिक दलों में विकल्प का अभाव है। बस जब कोई पार्टी फेमस होती है किसी एक बंदे की वजह से, जैसे अगर हम आज देखें तो बीजेपी है, बीजेपी किसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, मोदी जी की वजह से। लेकिन उस मोदी जी की लोकप्रियता के पीछे पीछे बहुत सारे लोगों का भी कल्याण हो गया, हालांकि उन्हें लोग जानते तक नहीं, लेकिन चुनाव जब आता है तो मोदी के नाम पर वोट डाल दिया जाता है बीजेपी को, ठीक है। तो उचित विकल्प का अभाव है। जैसे मोदी हैं वैसे बीजेपी और में और फेमस नेता होने चाहिए थे, उतनी ही जो लोकप्रिय कद काटी है उसके एक विकल्प होने चाहिए था, मगर नहीं है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों में हम क्या देखते हैं कि विकल्प, उचित विकल्प नहीं पाए जाते। एक फेमस नेता के विकल्प में कोई दूसरे नेता नहीं पाए जाते। इसके आगे अब हम देखते हैं कि आखिर फिर राजनीतिक दलों में ये चुनौती है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, उसके सुझाव के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला है कि दल बदल कानून को सख्त किया जाए। दल बदल का मीनिंग होता है बच्चों कि जब एक जो उम्मीदवार है वो किसी पार्टी से जीत गया लेकिन कुछ समय बाद उसका मन बदल गया या उसकी पार्टी हार गई तो वो उसने उस पार्टी को छोड़ दिया और अपनी दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। ऐसा हम बहुत देखते हैं कि आए दिन सुनने को मिलता रहता है कि फलाने आप पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गया, या कांग्रेस का कोई सदस्य जो है अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। तो इसे ही हम दल बदल कहते हैं, दल को बदलना। यानी जो उम्मीदवार हैं, यहाँ तक कि निर्वाचित उम्मीदवार भी अपनी पार्टी के स्थान पर दूसरी पार्टी को चुन लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये जो दल बदल की जो नीति है इसको कड़े कानून के द्वारा इस पर रोक लगाई जानी चाहिए या इसे सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। राजीव गांधी जी ने इस पर एक सख्त कानून बनाया था, हालांकि इससे भी ज़्यादा सख्त कानून की आज ज़रूरत है। दूसरा था आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे। भाई राजनीतिक दलों को ये पूरा अपने नियम कठोर बनाने चाहिए कि कोई भी आपराधिक प्रकृति का व्यक्ति जो है हम पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, और अगर गलती से हो भी जाए तो उसे किसी भी कीमत पर उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर उसे उम्मीदवारी दी गई तो ऐसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वो चुनाव में जीत जाएगा और जनता के बीच आ जाएगा, और जाहिर सी बात है ऐसा व्यक्ति जनता के हित में तो काम करेगा नहीं, अपने हित में ही काम करेगा। तो जरूरी है कि राजनीतिक दल ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल ना करें। राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव। राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वंशवाद चलता है, इनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। तो जरूरी है कि राजनीतिक दल जो है टाइम टू टाइम अपनी अंदरूनी चुनाव लड़े, अंदरूनी चुनाव हो, राजनीतिक दल के अंदर ही चुनाव हो, अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए, कार्यकारिणी समिति के लिए, ठीक है। तो टाइम टू टाइम राजनीतिक दलों में ही इलेक्शंस होने चाहिए और इस इलेक्शन के बलबूते ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष बनाए जाने चाहिए, वंशवाद के आधार पर नहीं। अगला इसका सुझाव हमारा आता है राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए। फिर है कि राजनीतिक दलों के जो कामकाज है, कहां से चंदा आ रहा है, कहां पर खर्च किया जा रहा है, किसे कितना दिया जा रहा है, जनता की सेवा में कितना खर्च किया गया, ये सारे और साथ ही उनके
प्रत्येक सदस्य की कितनी संपत्ति है, इन सबको जनता के सामने पब्लिश किया जाना चाहिए। तो राजनीतिक दलों की जो कार्यशैली है, कामकाज है, संपत्ति का ब्यौरा है, सब कुछ जो है वो पारदर्शी किया जाना चाहिए, यानी जनता के सामने उसे उपस्थित किया जाना चाहिए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, आज अगर हम देखें तो लगभग सभी पार्टियों में 10% के करीब ही, 10 से 20% तक ही वुमेन की भागीदारी है, जो कि बहुत कम है, जबकि आधी जनसंख्या महिलाओं से ही बनी है देश की। तो ज़रूरी है कि प्रत्येक राजनीतिक दल में महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इंदिरा गांधी भी आखिर एक महिला थी जिन्हें कि आयरन लेडी कहा जाता था, ठीक है। आज भी अगर हम देखें तो स्मृति ईरानी है या स्वर्गीय सुषमा स्वराज है, ये भी एक पावरफुल वुमेन रही, वुमेन नेता रही हैं, लीडर रही हैं। तो ज़रूरी है कि महिलाओं को हर राजनीतिक दल में एक उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो ये आती है राजनीतिक दलों के बीच में कि जब चुनाव होता है तो ये अंधाधुंध खर्च करती हैं। जो पार्टी, जाहिर सी बात है, जितना अपने चुनाव प्रचार पे खर्च करेगी, जितना जनता के बीच जाकर उनको अट्रैक्ट करेगी, और हमें पता है कि अट्रैक्शन जो है वो कई तरीके से किया जाता है, जैसे कि अट्रैक्ट जो किया जाता है कई माध्यमों से किया जाता है, जैसे कि उनके भी उनको कुछ कुछ चीज़ें बांटी जा रही हैं, कहीं पे साइकिल बांटी जा रही है, कहीं पे मोबाइल्स बांटे जा रहे हैं, तो कहीं पर शराब की बोतलें तक बांटी जा रही हैं, कहीं पर पैसों की गड्ढियाँ बांटी जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं राजनीतिक दल? ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। तो अगर सही प्रतिनिधित्व चाहिए, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व चाहिए, तो ज़रूरी है कि सरकार ही इन चुनावों पर खर्च करे। इसका खर्चा जो है, चुनावों का खर्चा सरकारी कोष से किया जाए, और हर राजनीतिक पार्टी को एक लिमिट मात्रा में ही पैसा खर्च करने की इजाज़त दी जाए, और अगर वो उससे ज़्यादा पैसा खर्च करती है तो उसका चुनाव रद्द कर दिया जाए, ठीक है। तो ये सुझाव हैं जिससे कि हम राजनीतिक दलों की जो कमियां हैं उनको सुधार सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दल बदल कानून को सख्त किया जाए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री ना दी जाए, राजनीतिक दलों में टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हो, राजनीतिक दलों की जो अंदरूनी कामकाज की शैली है उनके उसको पारदर्शी बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, सबके सामने जग जाहिर किया जाए, जनता के सामने उसे लाया जाए, महिलाओं को उचित भागीदारी दी जाए, और चुनाव का खर्च सरकारी कोष से किया जाए, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखा, राजनीतिक दलों के कौन समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ या समस्याएँ आती हैं, या उनकी कौन कौन सी कमियाँ हैं। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है ये सीधा तुम्हें क्वेश्चन आ जाए कि राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि राजनीतिक दलों में कौन कौन सी कमियाँ पाई जाती हैं या उनकी कौन कौन सी समस्याएँ हैं, तो उसमें भी यही आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो हम इसको पढ़ चुके हैं, आप कहेंगे हाँ हम इससे बिल्कुल सहमत हैं, और आपका इसका आंसर कहाँ पर आता है, जो हमने इसमें डिस्कस किया, ठीक है। तो जो इसमें हमने डिस्कस किया वही इसमें आएगा, और इसका जो आंसर होगा वो यहाँ से, और उसका जो सुधार होगा, का सुधार का सुझाव होगा वो आप यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर आपको यह आंसर अपना देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चुनौतियाँ आप इसमें दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय सुझाइए, तो वो भी हमने यहाँ देखा, आपका इसमें ये आंसर आ जाएगा पूरा, सॉरी, ये हमारा इसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह आपके तीनों क्वेश्चंस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से करेंगे। इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।